हाय मनु, आपका स्वागत है टाइम्स नेटवर्क की सीरीज जिसका नाम है इंडियन सुपरवुमन द पाथ टू ग्लोरी। ये सीरीज हम डेडिकेट कर रहे हैं देश की उन तमाम बेटियों को जिन्होंने देश का मान रखा है, देश के लिए मेडल्स जीते हैं और तिरंगे को बड़े इवेंट्स में लहराया है। इस सीरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सो मनु, झज्जर के गोलिया विलेज में आपका जन्म हुआ, उसके बाद आप कई सारे स्पोर्ट्स खेले, उसके बाद आपने शूटिंग शुरू किया, तो थोड़ा सा अपनी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताएं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स आपने खेले हैं और शूटिंग में कैसे इंटरेस्ट हुआ। जिस समय मैंने शूटिंग शुरू करी थी उस समय मैं कबड्डी के लिए कम्पीट कर रही थी स्टेट लेवल पे, और खो खो साइड बाय साइड ऐसे ही खेल रही थी, और उसी टाइम पे मैं शूटिंग में भी स्टेट के लिए जा रही थी और इसके लिए भी। फिर ये डिसीजन मम्मी का था कि मुझे शूटिंग करनी है या फिर कबड्डी करनी है, तो देन शी वाज लाइक कि शूटिंग करो तुम, पहली बात इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो जो तुम इनपुट डालोगी वही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, तुम्हें किसी और पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। और प्लस कबड्डी में चोटें भी बहुत लगती थी, कपड़े फट जाना मुँह पे सारा, मुझे बहुत चोटें आई हैं। सो फिर उन्होंने बोला कि पढ़ाई भी ऐसे मुश्किल हो जाएगी अगर रोज कुछ इंजरीज होंगी या फिर कहीं कहीं चोट लगेगी, कुछ कुछ हो जाएगा, तो इससे बेटर है शूटिंग करो, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तुम अपने पे ध्यान रखोगे और साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी। मनु, हमने देखा है कि हरियाणा का जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, रेसलर्स काफी सारे हरियाणा से आए हैं, बॉक्सर्स आ रहे हैं, तो जब मनु किसी बड़े इवेंट में मेडल जीत के वापस आती है तो घर में कैसा सेलिब्रेशन होता है, आसपास कैसा सेलिब्रेशन होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आई थिंक हरियाणा का जो स्पोर्टिंग कल्चर है, स्पोर्ट्स का कल्चर है, वो बहुत ही बेहतरीन है। उससे सारे बाउंड्रीज जो भी होते हैं कि आप कौन से स्पोर्ट से हो वो सब कोई नहीं पूछता है, बस ये होता है कि हमारी बेटी ने मेडल जीता है हमारे देश के लिए, तो उसमें सारे जैसे कहते हैं ना स्पोर्ट्स यूनाइट, तो कोई भी जो स्पोर्ट है वो सब बाउंड्रीज को तोड़ के हम सब लोगों को यूनाइट कर देता है आपस में। सो वही कल्चर हरियाणा का भी है। एंड कोई भी, मैं जब भी बड़ा मेडल जीतती हूँ उसके बाद सबसे पहले यही होता है कि मेरे पेरेंट्स डेफिनेटली खुश होते हैं, बट बहुत सारी और भी बधाइयाँ आती हैं मुझे, ना कि सिर्फ जिन लोगों को मैं जानती हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। मैंने रिसेंटली पढ़ा कि आपने 100 मेडल आपने शायद अब पूरे कर लिए हैं, तो आपकी मेडल की, और आपने शायद लास्ट मंथ अपना 21st बर्थडे सेलिब्रेट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हां जी, तो 21 इयर्स ऑफ एज में 100 मेडल्स हैं, सेंचुरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो मनु भाकर का अभी भी वो बड़ा टारगेट क्या है? अभी भी बड़ा टारगेट यही है कि मुझे जो जो मेजर इवेंट्स हैं उनको टेक ऑफ करना है लिस्ट से, जैसे एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक गेम्स। हाँ जी, उसके अलावा सब कुछ डन है, बट मेरा एम यही है, और सिर्फ एक बारी नहीं बल्कि जितनी बारी पॉसिबल हो सकता है 2-3-4 बारी। और मनु, ये सीरीज जैसे मैंने आपको बताया हम डेडिकेट कर रहे हैं इंडियन सुपर वुमेन को, उन एथलीट्स को जो कि देश की आन बान और शान है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स रिलेटेड या आपकी फैमिली से या कहीं से भी, वो कौन सी महिलाएं होंगी जिनको आप बोलिएगा कि ये मेरी लाइफ की इंडियन सुपर वुमेन है? ऑनेस्टली आई थिंक हर एक लड़की की सुपर वुमेन उनकी माँ ही होती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो जिस घर से निकलते हैं और जहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है और जहाँ से उनको आगे बढ़ने की उम्मीदें और भी मिलती हैं, आई थिंक सोर्स ऑफ मोटिवेशन वहीं से मिलता है। सो आई वुड से कि कोई बड़े सोर्स तो नहीं है मोटिवेशन के, बट आई वुड से माय मदर, क्योंकि कोई भी घड़ी हो, चाहे ऊपर वाली हो, चाहे मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, चाहे मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, शी वॉज ऑलवेज देयर। हालांकि माई फादर वॉज ऑलवेज ऑल्सो देयर, बट आई वुड से कि मदर का रोल तो माँ तो माँ होती है। सो हाँ जी, द मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन हैज ऑलवेज बीन देयर इनसाइड माई हाउस, माई मदर। जी, हम सभी की मदर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे करियर्स में, वो चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड, दे आर द सुपर वुमेन बिहाइंड
ऑल ऑफ अस 100%। जैसे अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इतने मेडल्स जीते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यू आर स्टिल जस्ट 21, बट इस इंटरव्यू के माध्यम से लाखों लड़कियां फिर से एक बार मनु भाकर का इंटरव्यू सुन के, उनकी जर्नी सुन के उनसे इंस्पायर होंगी। और अभी भी ऐसे कई घर होंगे मनु जहां पे बेटियां वो डिसीजन लेने से शायद थोड़ा हिचकिचा रही हैं, उनके पेरेंट्स के दिमाग में हो सकता है कोई डाउट्स है। तो देश की उन तमाम बेटियों से आपका क्या मैसेज होगा जो मनु भाकर की तरह बनना चाहती हैं बट अभी वो स्टेप नहीं ले पा रही? मैसेज यही होगा, सबसे पहला मैसेज तो मेरा पेरेंट्स को है कि अपने बच्चे को ना पीछे होल्ड करने की कोशिश मत करिए, उनको जो जो चीजें ट्राई करनी है, जो जो चीजें उनको वो करना चाहते हैं लाइफ में, उन सबको, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, आप उनको पीछे रोकने की कोशिश ना करिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनको लेट देम फ्लाई। सो हाँ, और दूसरा मैसेज मेरा बच्चों को ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो आप उस चीज़ का मिसयूज मत करिए, बल्कि आप उस चीज को उनको प्रूव करके दिखाइए कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम इतने काबिल हैं, हम वी कैन डू ऑल ऑफ दिस, हमारा कैलिबर ये है और हमारे पोटेंशियल से भी ज्यादा हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा मनु, आप हमारे लिए एक इंडिया सुपर वुमन है, टाइम्स नेटवर्क इज थैंकफुल टू यू कि आप इस सीरीज का एक पार्ट बनी। और अभी मैं फिर से बोलूंगा, यू आर जस्ट 21, द वर्ल्ड इज अहेड ऑफ यू। आई एम श्योर बड़े से बड़े इवेंट्स में मनु भाकर देश का तिरंगा लहराती रहेंगी। आपके समय के लिए धन्यवाद मनु। थैंक यू टाइम्स नाउ फॉर हैविंग मी फॉर दिस वंडरफुल सेशन टुडे। नमस्कार रामकिशन जी। नमस्ते जी। टाइम्स नेटवर्क एक सीरीज चला रहा है जिसका नाम है इंडियन सुपर वुमन। इसमें हम देश की तमाम बेटियों ने जिन्होंने देश का तिरंगा लहराया है उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, और मनु भाकर बिल्कुल उन तमाम बेटियों में से एक हैं। इस सीरीज में आपका भी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ का जी। और जैसा हम जानते हैं सर, हम सारे छोटे शहरों से आते हैं और हमारे सपने बड़े होते हैं, तो जैसा बोला जाता है कि हम सभी का एक डेयर टू ड्रीम मोमेंट होता है कि हम हिम्मत करके सपने देखते हैं और फिर उनको पूरा करते हैं। तो मनु का आप क्या बोलिएगा कि कब आपको लगा कि उसका डेयर टू ड्रीम वाला एटीट्यूड है कि वो कुछ बड़ा करेगी? तो एक बार हमने और इसने जूतों पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि हमने कहा कि ये ज्यादा छोटी थी, 5 या 6 साल की, तो हमने कहा कि ये बेटर रहेंगे बेटा, आपको कुछ दिन तो चलेंगे, और ये इसने दूसरे चूज किए। मम्मी ने समझाया, मैंने समझाया, बेटा ये तो 4 दिन में टूट जाएंगे और ये बढ़िया है, ये अच्छे चलेंगे। तब इसने आया, लेके आ गई, बोला ठीक है, तो पापा लेके आ गई, और 3 दिन के बाद पता चलो ब्लेड से काट दिए। तो प्रूव मी रॉन्ग कि भाई मुझे वो ही पसंद थे जी, और ज्यादा चले नहीं। वो ज्यादा कहाँ चलने वाले थे, वो तो काट, ब्लेड से काटने के बाद तो थोड़ी चलने वाले थे जी। तो नेक्स्ट इवेंट जो 10-15 दिन बाद में था, क्योंकि लोकल इवेंट जहाँ पे भी होते थे हम उनमें जाते थे साथ में जी। तो मैंने इसको धमकाया, इसकी मम्मी के सामने मैंने कहा कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको नहीं पहनना तो छोड़ देते थे, हम किसी और को दे देते थे काटना। और ये तो उस टाइम पे मेरे सामने तो सॉरी बोल के, सॉरी पापा ऐसे बोल देती थी और वो भी, लेकिन मम्मा को इसने जाके बोला एक दिन है ना, मैं अपने दम पे, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे वो करूँ। And I think that was her her eyes were showing की attitude की जील था उसमें कि हाँ वो कुछ करना चाहती है। रामकिशन जी, एक जैसे मैंने बोला ये सीरीज हम इंडियन सुपर वुमेन को डेडिकेट कर रहे हैं, तो जब मनु मेडल जीत के आती है, गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल, तो कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग कॉमेंट जो आपने, जो किसी ने आपकी बेटी को कॉम्प्लीमेंट में बोला हो, जिससे आपकी आंखें भर आई हो, या आप खुद अपना बताइए कि कैसा लगता है, कितना प्राउड होता है बेटी पे जब वो कोई भी मेडल जीत के आती है? अभी अभी तो नॉर्मली क्या है कि व्हाट्सएप और इनकी स्पीड काफी बढ़ गई है, काफी इंटरनेट की जो है ना स्पीड भी काफी है। 4-5 साल पहले यानी कि 17 और 18 में जनरली मनु का एक मैसेज आता था, पापा हो गया जी, क्योंकि वो लंबा वीडियो रिकॉर्डिंग और वो ना तो डाउनलोड होता था ना अपलोड होता था, वहाँ पे भी जहाँ कहीं पे भी होती है वहाँ पे भी इतना ज्यादा इंटरनेट की वो नहीं थी। अभी तो पिछले 4-5-2-3 साल में तो बहुत अच्छा 4G आ गया, 3G आया, 4G आया, 5G आ गया। तो
ये आता था ये हो गया तो मैं समझता था गोल्ड हो गया, हम मेडल नहीं समझते थे, हम ये समझते थे गोल्ड आ गया जी। तो एक एक तो ये उसकी लैंग्वेज में हमेशा आता पापा वो भी हो गया, मतलब वहां पे भी ले लिया, मतलब दो या तीन इवेंट खेलती है तो तकरीबन ये कहती है पापा हो गया। आप मनु काफी लकी है कि उसको आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं जो बचपन से उसको एनकरेज कर रहे हैं, बट देश में अभी कई और ऐसे पेरेंट्स हैं जो बेटियों को जिनको स्पोर्ट्स में जाना है उनको एनकरेज नहीं कर पाते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? बहुत बार ना बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कुछ आईएएस पे तो ले रहते हैं, जबकि बच्चा चाहता है कि वो फाइन आर्ट में कुछ करना चाहे। मैं हम स्कूल चलाते हैं, हमें पता है कि बच्चा क्या चाहता है। बच्चा बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें स्कूल में टीचर्स को बताता है, यदि पेरेंट्स टीचर्स बॉन्डिंग अच्छी कर सकते हो तो आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हो, बच्चे से रोज बात करोगे तो वो बता सकते हैं। बट पेरेंट्स को और समाज को ये सोचना चाहिए कि इनमें से ये जो जितने बच्चे बैठे हैं इनमें से भी कल का कोई स्टार हो सकता है जिसको तुम प्राउडली बोलोगे कि हमारा गांव हमारा तहसील या हमारा डिस्ट्रिक्ट इस बच्चे के नाम से जाना जाए, तो वो छवि हर बच्चे में देखनी चाहिए और हर बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। रामकिशन जी, वैसे तो ये सीरीज हम इंडियन सुपर वुमेन को डेडिकेट कर रहे हैं, बट टाइम्स नेटवर्क आप जैसे सुपरमैन को भी सलाम करता है, क्योंकि इन सारी सुपर वुमेन के पीछे जो माता पिता का सपोर्ट होता है उनके बिना वो शायद नहीं अचीव कर पाएंगी जो उनके सपने हैं, और वो देश का शायद उतना नाम नहीं कर पाएंगी अगर आप जैसे पिता आप जैसी पेरेंट्स उन एथलीट्स के साथ ना हो। इस सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, आपके समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी, और साथ में टाइम्स नाउ का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।